अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सबनम किचन रूटीन पे। आज मैं आप लोग से शेयर करूँगी कैपेचिनो कॉफ़ी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में जाके पीते हैं इसे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो इसे बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही कम टाइम में इसे बनाते हैं। तो चलिए इसे झटपट रेस्टोरेंट स्टाइल में कैपेचिनो बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं, इससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अब हम लेंगे एक जार। यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ ये नेस्कैफे इंस्टेंट कॉफ़ी। आप ब्रू या कोई सा भी कॉफ़ी इंस्टेंट वाली ले सकते हैं। तो इसे अब हमें 2 बड़े चम्मच भरकर यहाँ पे कॉफ़ी इसमें ऐड करेंगे, और फिर उसी चम्मच से हमें 6 चम्मच भरकर चीनी लेनी है। ये परफेक्ट रेशो है। अगर आपको कॉफ़ी थोड़ी मीठी पसंद है तो यहाँ 1 चम्मच और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो 6 चम्मच हमने चीनी ऐड की। अब उसी चम्मच से 2 चम्मच गुनगुना पानी ऐड कर रही हूँ ये। तो चलिए इसे अब हमें पल्स पर चलाना है, थोड़ी देर चलाना है, फिर बंद करना है। इस तरह हमें इसे बस 1 मिनट के लिए अभी कॉफ़ी को पल्स पर पीस लेंगे। तो चलिए 1 मिनट के बाद इसे चेक कर रहे हैं। देखिए है ना, कलर कितनी अच्छे से चेंज हो रही है। तो बस इसे हमें पल्स पर 2 से 3 मिनट और पीस लेना है। मिक्सर में पीसने से क्या होता है ना कि चीनी बहुत अच्छे से पीस जाती है। उसके बाद इसे हम ब्लेंडर से बीट करेंगे, और हमारे बहुत सारा टाइम भी इससे बच जाएगा, और बहुत ही टेस्टी और क्रेस्टों वाली कैपेचिनो बनकर तैयार हो जाएगी बहुत ही कम टाइम में। तो यहाँ पे अभी देख रहे ना, ये बहुत रनी है। तो मिक्सर में वैसा आपका क्रीमी फॉर्म नहीं बनेगा। तो चलिए इसे अब यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं और एक बाउल में डाल देंगे। तो बाउल में डालने के बाद इसे चलिए बीट करते हैं। आप चाहें तो ये हैंड ब्लेंडर से भी बीट कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो मैं उससे बीट करूँगी, उससे सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे तो क्रीमी फॉर्म आने के लिए। तो चलिए इसे बीट करते हैं बिल्कुल हाई स्पीड पर, क्योंकि चीनी पहले ही बहुत अच्छे से मिक्सर में पीस चुकी है। तो इसे बस हमें 3 से 4 मिनट के लिए क्रीमी फॉर्म आने तक खूब अच्छे से बीट करना है। तो देख लेना, जैसे जैसे हम बीट कर रहे हैं तो उसका ये बिल्कुल कलर चेंज होते जा रहा है। तो इसमें इतनी अच्छी वाइटनेस आ जानी चाहिए तब तक हमें बीट करना है। तो मुझे इसे बीट करते हुए करीब 3 से 4 मिनट लगेंगे। वीडियो को लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप पूरा देखें तो आपकी कैपेचिनो गारंटी है कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं मुझे बीट करते हुए। तो देखिए, मैं इसका आपको टेक्सचर दिखा रही हूँ। देख रहे ना कितनी क्रीमी फॉर्म बनी है, देख रहे ना ये टपक नहीं रही है। तो हमारा कैपेचिनो बनकर तैयार है। देख रहे ना इसमें साइन कितनी ज़बरदस्त आई है। तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली हमारी कैपेचिनो बनकर तैयार है। तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं हफ्ते भर के लिए। ये करीब 8 से 10 लोगों के लिए कैपेचिनो बनकर तैयार हुई है। तो इसे एयर टाइट कंटेनर में रख करके आप बहुत 1 हफ्ते तक इंजॉय कर सकते हैं। तो इसे चलिए कंटेनर में डाल देंगे। और इसे ढक्कन से अच्छे से टाइटली बंद कर दें। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 250 ml दूध। इसे एक उबाल आने तक इसे बॉईल होने देंगे। ये मैं 1 कप बना रही हूँ कॉफ़ी। तो आप जितनी चाहें अपनी मर्ज़ी से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मग लेंगे, उसमें ये 2 चम्मच कैपेचिनो ऐड करेंगे, और अभी यहाँ पे थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पहले पूरा दूध डाल देंगे तो ये कैपेचिनो इतनी क्रीमी होती है कि अच्छे से घुलेगी नहीं। तो पहले थोड़ा सा इसे हम घोल लेंगे, उसके बाद थोड़ी हाइट से दूध डालेंगे। तो थोड़ी हाइट से दूध डालने से क्या होता है ना, देख रहे ना कैसे फॉर्म बन रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारी ये कैपेचिनो बनकर तैयार होगी। तो देख रहे ना कितनी फॉर्मी ये हमारी कैपेचिनो बनकर तैयार है। ऊपर से थोड़ा सा 1/2 चम्मच कैपेचिनो मैंने और ऐड किया है। बस ये हमारी कैपेचिनो बनकर तैयार है, और इसके ऊपर थोड़ा सा ये चॉकलेट पाउडर डाल रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसे डालने से क्या होता है ना, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ये हमारी कैपेचिनो दिखेगी। तो आप इसे
मेरे स्टाइल में एक बार ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी कैपेचिनो कैसी बनी। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।